नमस्कार दोस्तों, YouTube के मिशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ 60 क्वेश्चन जो स्पेशल बिहार दरोगा और SSC CGL एग्ज़ाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैं क्राउन बुक से करा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप सब वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो आपको छड़ रूपी होती है, आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो आपका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा जीवाणुओं में, ठीक है, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक होती है? तो आपको फली बींस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो आपको हो जाएगा हैजा होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आपको बैक्टीरिया द्वारा खट्टा होता है, आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो किसके द्वारा होता है उत्पन्न? तो विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शैवालों के कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चावल की फसल के लिए जौ उर्वरक कार्य करता है? तो आपको करता है नील हरित शैवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक होते हैं? तो आपको हो जाएगा कॉर्टिकोल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एथलीट फूड नामक बीमारी किसके उत्पन्न होती है? तो आपको होती है कवक द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो आपको कहते हैं कॉर्टिलॉस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म है? तो आपका हो जाएगा साइकस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो आपको प्रकंद हो जाएगा, आपका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऑर्निथोफिली प्राग होते हैं? तो आपको हो जाएगा पक्षियों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तना काट आमतौर पर किससे प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपको गन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? तो आपको हो जाएगा भ्रूण पोष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आम का वनस्पति की नाम क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैजी फेरा इंडिका हो जाएगा, ठीक है। कौन प्राप्त होता है, सॉरी कुनैन प्राप्त होता है किससे? तो सिनकोना से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तंबाकू की पत्ती में होता है क्या होता है? तो निकोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपको छाल से प्राप्त होता है दालचीनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो आपको मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे का कौन सी गैस का अवचूर्णक करते हैं? तो आपको हो जाएगा सही आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थित यौगिक है? तो आपको हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो आपको हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नहीं है, तो आपको हो जाएगा सही आंसर ए हो जाएगा, बाकी में सब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो आपको सही आंसर हो जाएगा सेब से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र है? तो आपको हैदराबाद में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किससे? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो आपको एंटोमोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, अमीबा का प्रचलन अंग होता है? तो कुटपाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? युगलीना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ होता है? तो आपको प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ होता है? तो आपको हो जाएगा लिस्मेनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो आपको हो जाएगा टेडपॉल कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, शीत रक्तीय प्राणी होता है? तो आपको इसमें से सभी हो जाएगा, मछली मेंढक छिपकली, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पायोक्रिस्टेसक किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का हो जाएगा, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी को क्या कहते हैं? तो खोखली होती है, सॉरी मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो 20, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट देखिएगा, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो आपको माल्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पित्त जमा होता है किस में? तो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। आपका सेंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? तो लॉयड स्टीनर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, RH फैक्टर का पता लगाता है तो कौन लगाता है? तो लॉयड स्टीनर तथा VNA ने। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो क्या है? तो प्रमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है तो कौन किया था? तो लिनियस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, स्पीच शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपको जारे ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, काकरोच तिलचट्टा किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको आर्थ्रोपोडा का करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का किससे माना जाता है? तो आपको नियोपिलाइना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन है? कछुआ। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक छोटा स्तनधारी कौन है? तो छछुंदर। नेक्स्ट देखिएगा, विषाणु को किसने सबसे पहले यह बतलाया कि यह सजीव नहीं है? तो आपको स्टेनली। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो आपको जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस पौधे के तने में साबुदाना बनाया जाता है? तो आपको साइकस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बर्फ पर पाए जाने वाला सवाल क्या कहलाता है? तो आपको कहलाता है क्रिप्टोफाइटस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में 60 क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।